चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने आज देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की भाजपा की लगातार कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। भाजपा पर देश में संसदीय परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के अलोकतांत्रिक रवैये का ताजा उदाहरण उनके द्वारा मनमाने ढंग से विपक्षी दलों के 145 सांसदों को संसद से निलंबित करना। कांग्रेस ने भाजपा पर संगीन आरोप लगाया है कि लोकसभा में अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों पर तो यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन संसद में उन्हें आमंत्रित करने वाले भाजपा नेता और सांसद को बिना किसी जांच के छोड़ दिया गया। पार्टी ने मांग करते हुए कहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की गहरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।